अखिल भारत हिंदू महासभा, व्यापार मंडल, समाज सेवियों, राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रवासियों को खाद्यान्न सामग्री एवं बाटा भोजन। फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली कोरोना वायरस संक्रमित महामारी के चलते अपने घर लौट रहे प्रवासियों की मदद। मानवता की दिशा पर चलते हुए विभिन्न संगठन, दल, फाउंडेशन आदि जनप्रतिनिधि एवं समाज से भी लोगों ने दूर दूर से घर लौट रहे प्रवासियों की परेशानियों को समझते हुए फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा एवं अन्य जगहों पर भोजन, नाश्ता, मास्क, सैनिटाइजर जैसे तमाम सामग्रियों को वितरित करते आ रहे हैं। अध्यक्ष जी बताइए, आपका क्या प्रोग्राम है आज? यहाँ भाई साहब 3 दिन से लगातार जो बाहर से प्रवासी मजदूर या हमारे भाई लोग आ रहे हैं परेशान होकर के, उनको लगातार खाने और पानी की सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन यह पार्टी स्तर पे कुछ लोगों ने आकर के पार्टी। अब जाना कहाँ है? हमें जाना है पीलीभीत शाही। पीलीभीत शाही जाना है? हाँ। कितने लोग हैं सब? उसमें है 11 लोग। 11 लोग घर छोड़ कर आऊँगे इनको? नहीं नहीं, हम गाड़ी हमारी खुद की वाली है। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम गुरप्रीत सिंह। आप जे यहाँ पर टोल प्लाजा पे क्या प्रोग्राम कर रहे हैं बताएं साहब? हमारा बस ये गरीबों के लिए ये सामान बांटे जा रहा है, पानी है, बिस्किट है, केले हैं। ये हमारा फ्रेंड सर्कल है, स्वीट 16 हमारा ग्रुप है जिसके हम लोग सारे सदस्य हैं और हम लोग इसको कई दिन से बांट रहे हैं, और हम चाहते हैं कोई भी जना प्यासा ना रहे, कोई भी मजदूर जो भी हमारे लिए सेवा हो सकती है वो करे। ये सब हमने सामान रखा हुआ है उनको बांटने के लिए और हम 3 दिन से लगातार बांट रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप लोग? कहाँ से? अमेठी, दिल्ली से आ रहा हूँ। अमेठी? अच्छा, दिल्ली से आ रहे हैं मोटरसाइकिल से? अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? अमेठी जा रहे हैं। अमेठी जाना है? मोटरसाइकिल से जाएंगे आपको? कोई रास्ते में कोई खाने पीने कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको लिए? खाना पीना तो नहीं मिलता है। खाना नहीं मिला आपके लिए? लेके आते हैं। अच्छा, लेके आए हैं। खाना तो दीजिए, खाना पैकेट है हमारे पास। आपका मेडिकल चेकअप हुआ है कि अभी? नहीं नहीं, आपका मेडिकल चेकअप भी नहीं हुआ अभी तक? मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, गाँव में होगा। आपको ऐसी कौन सी मजबूरी हुई थी जो वहाँ से आपको पलायन करना पड़ा? खाना पीना था नहीं वहाँ, नौकरी है नहीं, घर जाना पड़ता। शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट 30 नवंबर में कराएगा सामूहिक विवाह पंडित सुशील पाठक। बरेली पंडित सुशील पाठक ने बताया। देखिए, आपको बताएं, आप सभी को ज्ञात है कि शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट एक कार्यक्रम करता है, वो है निर्धन परिवार की बेटियों का विवाह, जो विगत 2011 से लगातार करते चले आ रहे हैं, और इस वर्ष वो कार्यक्रम 26 अप्रैल 2020 को होना था, जिसके लिए हमारे पास 20 रजिस्ट्रेशन आवेदन आ चुके थे। इसी बीच में पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना आ गया, जिसके कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन की वजह से हमें वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, किंतु एक लड़की के पिता ने अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन से अनुमति ले ली थी, तो 26 अप्रैल को एक बेटी का विवाह हमने कर दिया, परंतु वो जो आवेदन रह गए हैं या अन्य आवेदन आएंगे, अब उनका विवाह 30 नवंबर 2020 को किया जाएगा, जो कार्यक्रम 26 अप्रैल को होना था, क्योंकि समय लगेगा, तैयारियां करना है, समय लोगों के पास पैसा नहीं है, वो व्यवस्थाएं करनी है, विवाह करना है, अच्छी उन बच्चों को उपहार में देने हैं। इसके अलावा इस मंदिर में दैनिक भोजन की व्यवस्था चलती थी, खिचड़ी बढ़ती थी, हमें लगा कि वो रुक ना जाए, तो वो ईश्वर की ऐसी कृपा, साईं की कृपा हुई कि आर्य समाज अनाथालय में 22 मार्च 2020 से आज 31 मई यानी 71 दिन हो गए, लगातार आर्य समाज अनाथालय के बच्चों को मनपसंद भोजन जो बच्चों ने मांगा, इसके अलावा रैन बसेरा पटेल चौक पे दोनों जगह प्रतिदिन भोजन। शुरू में हमने झुग्गी झोपड़ियों में खिचड़ी भी बांटी, परंतु जब हजियापुर में केस निकल आया तो हमने फिर सिर्फ आर्य समाज अनाथालय और पटेल चौक स्थित रैन बसेरे में ही भोजन कराया, जो आज तक किया, आज उसे हमने विराम दे दिया है। अब आज के बाद जो खिचड़ी बटती थी वो मंदिर से बटेगी, आज के बाद हम वहाँ भोजन लेकर अब नहीं जाएंगे। पंडित जी, लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कितनी उम्मीद है? देखिए, 20 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास है, अब उम्मीद ये लग रही कि इस बार तो लाइन लगेगी, हमें उम्मीद है 50 से कम नहीं रहेंगी बेटियां जिनका विवाह होना है, 50 से ऊपर ही वो विवाह होंगे, ये निश्चित है, उससे किसी कीमत पे कम नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो लोग भी बेटियों के विवाह करेंगे जिनके पास
संभवतः दिक्कतें खड़ी हुई हैं, कोशिश करेंगे, अभी से किसी का वो नहीं, प्रयास करेंगे, क्योंकि दो बार माननीय राज्यपाल महोदय और एक बार कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी आ चुके हैं, इस बार भी हमारा प्रयास होगा किसी न किसी को बुलाने का। अभी किसी का नाम नहीं ले रहे, अब तक 550 बेटियों के कन्यादान श्री साई सेवा ट्रस्ट करा चुका है, और एक बेटी सुष्मिता आर्या जो आर्य समाज अनाथालय की है उसे आईएएस की कोचिंग कराने के लिए श्री साई सेवा ट्रस्ट ने मन बना लिया है, और इस अभी बस उसका एडमिशन करा के उसे सिविल की तैयारी कराई। सभी धर्मों के कराते हैं, सभी धर्मों के कई निकाह हो चुके हैं, कई पंजाबी लड़कियों के विवाह हो चुके हैं, यहाँ जाति और धर्म का मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे साई ने कहा है सबका मालिक एक, तो हमारे बाबा का वही संदेश और वही हमारा, हमारे शोभित भैया है जो लगातार हमारे साथ खाने में दिन रात लगे रहे, आप देख सकते हो इन्होंने दिन और रात कब कहाँ हो गई ये पता नहीं चला, तन मन धन से तीनों से हमारा सहयोग किया। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।